मंच में मंचासीन हमारे बड़े भाई दिनेश जी, जिला अध्यक्ष संजय भैया और जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष सम्मानित जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। मित्रों, सभी साथियों से आग्रह है कि कृपया आप लोग इसको होस्ट टाइगर जी मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य उपस्थिति में तमाम नौजवान साथियों से मैं कहना चाहती हूँ कि हमें एकजुट होना हो। आपके आभारी हैं साथियों, उन्होंने गांधी विधानसभा क्षेत्र को तमाम जनताओं को अपने विचारधारा से एक संगठन में उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संघर्ष करने के लिए घर के दहलीज को पार करके आप लोगों के बीच काम करना चाहती हूँ, संघर्ष करना चाहती हूँ। क्या साथियों, यहाँ उपस्थित तमाम नौजवान साथी कार्यकर्ता इस संघर्ष में हमारे विधायक साथी, महिला नेत्रीगण, पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी जी बताएंगे, ये स्वर्गीय सालखन के विरासत को बचाने के लिए क्या आपकी पार्टी इनको करमिला जी को यहाँ पर जनता का पूरा मांग बताएंगे। देखिए, स्वर्गीय सालखन सोरेन जी का जो कार्यकाल रहा है, जो राजनीतिक विरासत रही है जी, वो तो सर्वविदित है। जितनी जिम्मेवारी पार्टी संगठन की है उससे बढ़कर कहीं इनके परिवार की भी, और इसको लेकर जो निर्णय होगा पार्टी पूरी मजबूती के साथ उठाएगी, संगठन पूरी मजबूती के साथ उठाएगी और पूरी ताकत के साथ स्वर्गीय सालखन सोरेन जी की विचारों को फिर से स्थापित करने का काम हम लोग करेंगे। क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है करमिला टुडू के लिए कि गठबंधन अगर हुई तो असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता है कोई असमंजस की स्थिति बनेगी, और असमंजस की स्थिति को लेकर हम लोग अपने शहीदों और अपने आंदोलनकारियों को नहीं भूल सकते। हमारी इस राज्य के प्रति अपनी अलग और मजबूत विचार के साथ हम लोग स्थापित हैं, और हम लोग अपने संघर्ष और बलिदान के साथ समझौता नहीं करते। सर, मोमेंटम झारखंड और फूड समिट को आप कितना सफल मानते हैं? लॉब्सो झारखंड मोमेंटम का ये दूसरा एपिसोड का फ्लॉप शो है और क्या। सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो पारा शिक्षकों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से पारा शिक्षक साथियों से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आपकी अधिकार, आपकी लड़ाई के साथ हम खड़े हैं,